नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सुशाली सभी पढ़ा रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल प्रिंस 21 पांडे और इसके साथ मेरा मोबाइल नंबर है 9807781640, जिस पे आपको सोशियोलॉजी संबंधित एनी क्वेरीज हो आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, बट एक पर्टिकुलर टाइम पे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को शुरू करने से पहले कि हमारी ऑनलाइन जूम ऐप पे क्लास सुबह 8 से 10 बजे के बीच में चल रही है और इसके साथ हमारी एक यूजीसी नेट प्रथम प्रश्न पत्र भी हमारा शाम को 4 बजे से 5 बजे के बीच में चल रहा है। अगर आप उस जूम ऐप ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस पर कॉन्टैक्ट करिए, ठीक है। आपको सारी डिटेल इससे बता दी जाएंगी। आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो ये वीडियो की सीरीज़ है, पिछले कई दिनों से हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, वन टू वन दो दो वीडियो, दिन दिन में तीन तीन वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपने अब तक अगर नहीं देखा है तो वो आप जाके पीछे देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए, सोशियोलॉजी संबंधित सारी एग्जामों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मैं आपको बता देना चाहूँगा इस वीडियो की खासियत क्या है। इस वीडियो में मैं क्वेश्चंस लेके आता हूँ, हम उन क्वेश्चंस को लेके आते हैं जो हम जूम ऐप पे ऑनलाइन क्लास कराए चुके हैं, यानी जिनके बारे में हम डिटेलिंग एक कर चुके हैं शाम सुबह की क्लास में, उसी को हम आधार मानकर हम आपको वीडियो प्रोवाइड करते हैं क्वेश्चंस का और क्वेश्चंस से संबंधित व्याख्याओं का। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम आपको सिद्धांत और अवधारणा के बारे में बताना चाहूँगा, इससे संबंधित क्वेश्चंस लेके आया हूँ। और कल मैंने शाम को, अभी शाम वाली कल यानी शाम क्या कल दो दिन दो वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड किया हूँ। एक तथ्य से संबंधित था, दूसरी आगमन और विधि आगमन निगमन से संबंधित था, और इसके साथ साथ मैंने कुछ और भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड दिए हैं जो मॉर्निंग में कल चली थी। तो इसी तरीके से हमारा क्रमवार चल रहा है क्लास, और आज हम इसमें पहला क्वेश्चन हम जो लिखे आए हैं सिद्धांत और अवधारणा से, पहला क्वेश्चन है। पहली बात तो मैं सिद्धांत आपको बता देना चाहूंगा, सिद्धांत क्या होता है, अवधारणा क्या होती है। सिद्धांत होता है किसी घटना को, सिद्धांत किसे कहते हैं ये आप जान लीजिए, किसी घटना के, किसी घटना संबंधित जब कभी किसी घटना संबंधित जब कोई शोधकर्ता अध्ययन करता है तो शोधकर्ता के मन में जब उस घटना से संबंधित क्यों का प्रश्न आता है, यानी दूसरे शब्द में किसी घटना के घटित होने के कारण क्या है, क्या कारण है, तो वो जो कारण होता है, कारण से संबंधित जो आंसर होता है कारण का, वो क्या कारण क्या कहलाता है, सिद्धांत होता है। जैसे आपसे एक एग्जाम्पल बोला जाए कि पेड़ से फल का नीचे गिरना क्यों गिरता है, तो देखिए यहाँ पे क्यों का प्रश्न आ गया, कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण का नियम, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिद्धांत हो गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अवधारणा क्या होती है, अवधारणा होता है किसी घटना, जब कोई शोधकर्ता किसी घटना का अध्ययन करता है, मूर्त घटना का, और मूर्त घटना का अध्ययन ऐसे सामान्य अध्ययन नहीं करता है बल्कि प्रेक्षण या बोध का प्रयोग करके अध्ययन करता है, तो उसे एक सामान्य विचार मिलता है। जब उस सामान्य विचार को वो अभिव्यक्त करता है किसी शब्द संकेत से, तो वो शब्दावली या टर्मिनोलॉजी क्या कहलाती है, अवधारणा कही जाती है। ओके, आपने समझ लिया होगा, उदाहरण से मैं समझा दे रहा हूं। उदाहरण अवधारणा का क्या हो जाएगा, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे सपोज दैट आपने कहीं पर लोगों का जमघट देखा, जमघट यानी समुच्चय, और कोई घटना वहां पर घटित हुई है, वहां पर लोगों को आपने एकत्रित किया या किसी बाजार में आप लोगों को देखे, अब उसके आधार पर आपने कह दिया ये भीड़ है। भीड़ क्यों कहा, क्योंकि भीड़ की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, एक विशिष्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसके आधार पर आपने भीड़ का नाम दिया। समुदाय क्यों नहीं कहा, क्योंकि समुदाय में हम की भावना होती है जबकि उस भीड़ के लोगों में हम की भावना नहीं है, लोग एक दूसरे से चिर परिचित नहीं है, तो इसलिए आपने समुदाय नहीं कहा। तो यहां पर भीड़ या समुदाय अगर आप कहोगे, समुदाय की विशेषता के आधार पर किसी समुदाय कहोगे तो वो क्या हो जाएगी, अवधारणा होगी, या भीड़ कह रहे हो तो उसकी अवधारणा है, ठीक है। आई होप समझ आ गया। हम क्वेश्चंस पे आते हैं, सिद्धांत से संबंधित पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर आधारित कौन सी सिद्धांत की विशेषता है। निम्न में से पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सिद्धांत की विशेषता है। पहला वैज्ञानिक, पहला है आपका सिद्धांत प्रारंभिक तरीके से जांच योग्य होता है, यह प्रारंभिक तरीके से
यह प्रारंभिक तरीके से जांच योग्य होता है। दूसरा, सभी सिद्धांत भविष्यवाणी करने योग्य नहीं होते। सभी सिद्धांत भविष्यवाणी करने योग्य नहीं होते। सी ऑप्शन है, यह अपनी प्रकृति से ही अंतरिम होता है। अंतरिम होता है। डी ऑप्शन सभी। निम्न सिद्धांत की विशेषता मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये प्रारंभिक तरीके से जांच योग्य होता है। क्यों जांच योग्य होता है आपको बताना चाहूंगा। सिद्धांत की विशेषता, सिद्धांत का निर्माण किससे होता है? तथ्य से होता है। तथ्य क्या होते हैं? आनुभविक तथ्य, आनुभविक सिद्धता पर आधारित होते हैं, यानी आनुभविक विश्लेषण पर आधारित होते हैं तथ्य। इसके आधार पर तथ्य जब आनुभविक विश्लेषण पर आधारित होगा या जांच पूर्ण होता है तो सिद्धांत भी क्या होगा? जांच पूर्ण होगा। क्यों? क्योंकि सिद्धांत का निर्माण तथ्यों से ही हो रहा है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा, सभी सिद्धांत भविष्यवाणी करने योग्य नहीं होते। आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यतः अगर भविष्यवाणी करने की विशेषता आए तो ये विशेषता मुख्यतः प्राकल्पना की होती है विशेषता। ठीक है, तो यहाँ पर सभी नहीं होते, मतलब सभी सिद्धांत, ऐसा नहीं कुछ अधिकांश होते हैं लेकिन सभी सिद्धांत भविष्यवाणी करने योग्य नहीं होते। ये भी आंसर आपका हो जाएगा सही। अपनी प्रकृति से ये अंतरिम होते हैं। अंतरिम होते हैं क्यों? यानी आप इनको एक मूर्त स्वरूप में नहीं देख सकते। यहाँ पर अंतरिम का आशय अमूर्तता से है, तो सिद्धांत की जो विशेषता होती है वो अमूर्त होती है। ठीक है, यानी मूर्त क्या होते हैं? मूर्त को अगर हम तथ्य मान ले, तथ्य को हम मूर्त मान लेते हैं, तो मूर्त का अमूर्त में परिवर्तन, इसी को कहते हैं क्या चीज? सिद्धांतीकरण। ठीक है, ये चीज है सिद्धांतीकरण, इसी को सिद्धांतीकरण कहते हैं। मूर्तता को अमूर्तता में कन्वर्जन। यह अपनी प्रकृति से अंतरिम होता है तो अमूर्तता, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी आंसर। नेक्स्ट, हम अवधारणा संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अवधारणा की विशेषता है? निम्न में से कौन अवधारणा की विशेषता है? पहला ऑप्शन व्यवहार प्रतिमान का संकेत मात्र होता है। दूसरा, बी, इसके आधार पर परिकल्पनाओं का निर्माण होता है। सी, इसका निर्माण वैज्ञानिक चिंतन के आधार पर होता है। डी, सभी। अवधारणा, देखिए अवधारणा की विशेषता क्या है? पहली बात तो अवधारणा मैंने आपको पहले ही बता दिया इसका आंसर। और व्यवहार प्रतिमान का संकेत मात्र होता है, मैंने आपको अभी देखिए बोला था
कि आप किसी घटना का अध्ययन करके फिर उससे सामान्य विचार प्राप्त करते हैं, और सामान्य विचार को जो एक नई शब्दावली प्रयोग की जाती है सामान्य विचार के लिए, वो क्या कहलाती है? अवधारणा कहलाती है। तो यहाँ पर शब्द संकेत यानी संकेत मात्र होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही है। दूसरा, परिकल्पनाओं का निर्माण होता है इससे, अवधारणाओं से ही परिकल्पना का निर्माण होता है, यानी परिकल्पना में एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि परिकल्पनाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देता है अवधारणा। निर्माण इसका वैज्ञानिक चिंतन के आधार पर, तो मैंने आपको बताया था ना कि यहां पर मूर्त घटना का जो अध्ययन किया जाता है, मूर्त घटना का जो अध्ययन किया जाएगा वो किसके आधार पर? प्रेक्षण या बोध का प्रयोग करके किया जाता है, मतलब ऐसे सामान्य रूप में अध्ययन नहीं किया जाता है बल्कि वैज्ञानिकता का प्रयोग करके उसका अध्ययन किया जाता है। अंडरस्टैंडिंग यहां पर लिख सकते हो, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग का प्रयोग करके किसी मूर्त घटना का यहाँ पे अध्ययन किया जाता है अवधारणा के अंतर्गत। तो ये वैज्ञानिक चिंतन के आधार पर इसका निर्माण होता है अवधारणा का, ये बिल्कुल होता है। तो इसके आधार पर आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम आगे थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं, इससे संबंधित आपको समझ में आ रहा होगा ये, और समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जो भी आपके दोस्त हैं, ग्रुप्स है जो आप भी आपका अलग अलग, वहां पे आप इसको शेयर करिए, लोगों से सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ठीक है, और खुद भी करिए अगर आप नए जुड़ रहे हैं, क्योंकि आपको इससे संबंधित वन टू वन वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है इससे संबंधित, क्वेश्चन है निम्नलिखित सिद्धांतों का महत्व क्या है? निम्न में से सिद्धांतों का महत्व है, सिद्धांतों का महत्व है, पहला ऑप्शन है सिद्धांत तथ्यों की भविष्यवाणी करते हैं, सिद्धांत जो होते हैं तथ्यों की, यहां पे सिद्धांत का पूछा जा रहा है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो कि अवधारणा का पोषक बोल रहे हैं कि सिद्धांत, सिद्धांत तथ्यों की तथ्यों की भविष्यवाणी करते हैं। दूसरा ऑप्शन सामग्री को व्यवस्थित करते हैं सिद्धांत, सामग्री को व्यवस्थित करते हैं। सी ऑप्शन, ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है, और डी ऑप्शन कोई नहीं। ठीक है, सिद्धांतों का महत्व, सिद्धांत देखिए, पहली बात तो यहां पे तथ्यों की भविष्यवाणी करते हैं, क्यों? आपको बताना चाहूंगा कि जो तथ्य होते हैं वो मूर्त होते हैं, मूर्तता पर और आनुभविक विश्लेषण पर भी आधारित होते हैं, तो आनुभविक विश्लेषण पर आधारित होते हैं तो ये भविष्यवाणी करने में सहायक है, ठीक है, और सामग्री को व्यवस्थित करने में भी ये मदद करते हैं, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि तथ्य जब जो इनको तथ्य और तथ्यों के समुच्चय यानी जोड़ने का भी काम करते हैं कौन? सिद्धांत, ठीक है, तो ये दोनों हो गए, इसके आधार पर आपका आंसर क्या हो गया? दोनों का आंसर दोनों सही है, तो इसके आधार पर आपका ए और बी दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हम लोग यहीं पे हम लोग क्लास अभी ब्रेक करते हैं, जो भी क्वेश्चन से संबंधित और भी होगा हम लोग शाम को फिर आपको दिखाएंगे, ठीक है, अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो आपका बड़ा ना होने पाए, आपको समझने में भी आसानी हो उसको, इसके लिए मैं आपको छोटे छोटे ऐसे ही 20-25 मिनट का, 22 मिनट के, 20-25 के बीच में ही मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराता रहूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन। आप इस पे कॉन्टेक्ट करके अपना जो जूम ऐप का क्लास है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि उसी से संबंधित आपकी ये प्रैक्टिस भी क्वेश्चन सी हो जाती है, तभी आपको डीपली समझ में आ रहा है, और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप इसमें समझ पा रहे होंगे। थैंक यू सो मच।